मध्य प्रदेश के रीवा की ओर ले चलते हैं, जहां पर खुशी फाउंडेशन एवं पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के सौजन्य से विशाल नेत्र प्रशिक्षण शिविर का सिंधु भवन रीवा में हुआ आयोजन। इस शिविर में लगभग 725 मरीजों ने कराया अपना रजिस्ट्रेशन। इस नेत्र प्रशिक्षण शिविर में ज्यादा लोगों को शिविर का लाभ लेने की बात कही गई। वहीं शिविर में नेत्र प्रशिक्षण के साथ साथ नेत्रदान को दान देने का भी फॉर्म मरीजों के द्वारा भरा गया। जो अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान देना चाहते हैं, वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मध्य प्रदेश रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। लगाया गया है, कितने मरीजों का परीक्षण किया गया है? लगभग 725 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेत्र शिविर का लाभ लें। सदगुरु सेवा ट्रस्ट के माध्यम से लोगों ने नेत्रदान के भी फॉर्म भरे हैं। कुछ फॉर्म भरे गए, 8-10 फॉर्म भरे। चेकअप करा रहे हैं, नहीं स्वास्थ्य के बारे में लोगों को केयर करने के बारे में जो समागी स्तर पर अधिकारियों का एक शिविर आयोजित किया, इसके लिए हम कमिश्नर साहब की तारीफ करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की मुहिम से हमारे शासकीय कर्मचारियों के एनर्जी लेवल का पता लगता है और उनकी एफिशिएंसी और उसकी क्षमताओं के लिए क्या और कारगर उपाय कर सकते हैं स्वास्थ्य के उपाय से, उसके ऊपर भी उन्होंने सोचा। इसके लिए वो बहुत ही, ये सिर्फ रीवा में है कि जिले में ये कमिश्नर लेवल पे चालू की गई है मुहिम, जिला स्तर पर भी इसको अमल में लाने की पहल की जा रही है। इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों का इसमें सहयोग आवश्यक है। आप अपना पद और नाम बता दीजिए। मैं चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से जीआर गुजरे रीवा परिक्षेत्र।